क्या आपको कभी रियल लाइफ में इस तरह के पड़ोसी या लैंडलॉर्ड से सामना हुआ कि जिससे आप हो गए क्योंकि जब शुरुआती दिनों में आप मुंबई आए थे जब आप स्ट्रगल कर रहे थे जब आप सुनील ग्रोवर बन रहे थे जब आप नोबडी से सम्बडी की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो क्या कोई ऐसे पड़ोसी उसमें मिले जिनके साथ घटा हुआ कोई भी इंसिडेंट आपको आज तक याद मुझे न? एक इंसिडेंट बहुत अच्छे से मैं हमेशा सोचता रहता हूँ उसके बारे में न एक बिल्डिंग सेवेंथ फ्लोर पर रहता था कहाँ मुंबई में मुंबई में कहाँ पर थी ये बिल्डिंग मुंबई में गोरेगाँव ईस्ट में डिंडोशी बस डिपो के पीछे तो वहाँ पे सेवन फ्लोर पे रहता था और सिक्स फ्लोर पे एक फैमिली थी जो वो छोटे छोटे अपार्टमेंट थे पहले मैं आया था जुहू में था थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट था पैसे वैसे ख़त्म हो गए तो मैं गोरेगाँव आ गया ये वन रूम किचन अपार्टमेंट था तो सेवन फ्लोर पर रहता तो नीचे सिक्स फ्लोर पर एक बहुत सारे लोगों की फैमिली रहती थी उस वक्त आई गेस अभी भी होंगे तो मैं वहाँ से नीचे आता था तो रात को लिफ्ट ले नहीं सकते थे क्योंकि आवाज़ आएगी उनकी फैमिली थी कुछ बीस लोग तो रहते थे एक ही फैमिल बीस नहीं तो बारह चौदह लोग तो थे तो वो अंदर से सोना शुरू करते थे और बाहर तक गेट दरवाज़ा उनका खुला होता था और नीचे जो बाहर रूम के बाहर कॉरिडोर जो कॉमन एरिया होता है वो भी वहाँ पे भी लोग सोते 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 सीढ़ियों तक तो एक छोटे से रूम में इतनी बड़ी फैमिली थी उनकी अगर आपकी लिफ्ट बंद है आप पहले सोचते हो लिफ्ट में जाऊंगा आवाज़ आएगी लिफ्ट बंद है अगर सीढ़ी से जाते हो तो और मुश्किल है क्योंकि उनके ऊपर से आपको ओ, लांग के जाना लांग पड़ेगा के तो, जाना तो, पड़ेगा क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो वो बड़ा एक मुझे मेरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा है वो कि ऑफ कोर्स उनकी भी मजबूरी थी कौन इस तरह रहना पसंद करेगा लेकिन अब रहना तो है ही पर आसपास के जो लोग हैं मैं तो चलो ऊपर रहता था जो उनके सामने लोग रहते थे उनको दरवाज़ा खोलते ही सामने आदमी सोए हुए ऐसा, हाँ। ऐसा लगता तो वो एक मेमोरी है, है जो हाँ। आपके जहन में रहती है अच्छा आ, 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 अगर मैं बात करूँ उस दौरान की जब आप आई थे मुंबई और आपने अपना काम शुरू किया था क्या वो एक चीज़ है उस दौर की जब आप स्ट्रगल कर रहे थे चीज़ें सीख रहे थे समझ रहे थे मुंबई आकर जो आप हमेशा गांठ बांध के अपने साथ रखते हैं हमेशा आज तक भी आप वो सीख वो वो चीज़ वो बात वो भूले नहीं है कुछ है ऐसा किस चीज़ की गांठ बांधी है कोई भी बात जब आप जैसे हम जब स्ट्रगलिंग दौर में होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी सीख उस दौर का कुछ हासिल उस समय की कोई समझ होती है जो हमें लगता है कि लाइफ टाइम अपने साथ रखेंगे और जब हम अच्छा कर जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये अभी भी हमें वैसा ही बरकरार रखना है तो कुछ है ऐसा आपके साथ जो हाँ, आज तक इंटैक्ट है आप चेक कर लो अपना रेलवे पास एक्सपायर तो नहीं हुआ है <laughs> क्योंकि मेरा रेलवे पास एक्सपायर हो गया था और मुझे पकड़ लिया था ट्रेन में और मैंने देखा ओ जो दो दिन पहले एक्सपायर हो चुका मैं मैंने रीन्यू नहीं किया तो मुझे फ़ाइन देना पड़ा और मैंने बड़ा मुश्किल से इकट्ठा किया था क्योंकि मेरे पैसे कम थे जेब में लेकिन वो एक गांठ बांध के रख लो कि रेल में पास टाइम टाइम पे चेक कर रिन्यू कर लो अपना <laughs> और आ, और लगे रहो टाइम हो सकता कभी कभी आपके पास इतना फेवरिंग ना हो तो भी लगे रहो हो सकता है बहुत फेवर कर रहा हो टाइम आपको लगे रहो अच्छे, अच्छे रिजल्ट ना आ रहे हो लगे रहो अच्छे रिजल्ट ना आ रहे हो लगे रहो